प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के जो बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए आया हूँ मैं। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले लगभग 7 सवा 7 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, ANM GNM भर्ती 2018 के रिगार्डिंग। और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को 223 कैंडिडेट्स तो आप लोगों के थे, GNM के 216 कैंडिडेट्स थे ANM के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 19 और 16 के आसपास ऐसे कुछ TSP का था, तो 450 के आसपास ये कैंडिडेट्स थे दोस्तों। अब इसमें जब से ये लिस्ट आया है तब से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लगातार मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। एक नंबर मैंने बंद किया हुआ है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन दूसरे नंबर पे लगातार मैसेज या व्हाट्सएप पे कॉलिंग आप लोगों के, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिनका जवाब दे पाना दोस्तों मुश्किल भी है और असंभव भी है। तो दोस्तों, अभी मैं जो जानकारी आप लोगों के जुटा पाया हूँ, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी लिस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन अब जानकारी आप लोगों को लेकर के आया हूँ। सबसे बड़ा जो चिंता होती है मुझे भी आप लोगों को, वो 3674 जो वंचित कैंडिडेट्स हैं जिनमें PH, विडो, डाइवोर्स, सारी कैटेगरियाँ, फ्रेशर्स वगैरह जो बचते हैं उनको लेकर के है। तो 3674 अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। 3674 में से किसी भी अभ्यर्थी का नाम इन जो 223, 216, 19, 17 जो कैंडिडेट्स हैं, TSP हों चाहे नॉन TSP में के हों, इनमें किसी का भी नाम इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझे कि भाई ये तो बस हमारा नाम 3674 का इसमें क्यों नहीं आया। आप लोगों की जो लिस्ट है 3674 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी परसों मैंने एक वीडियो 3 तारीख को अपलोड किया, तो उसमें बताया था कि मंडे से आप लोगों के अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। अपडेट्स आया भी है कुछ 450 कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स या परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी आज की न्यूज। तो 3674 जो कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट भी दोस्तों आएगा, और इस लिस्ट को लेकर के आप लोग चाहे विडो हैं, चाहे डाइवोर्स हैं, चाहे फ्रेशर हैं, चाहे स्पोर्ट्स हैं, और चाहे दिव्यांग कैंडिडेट यानी PH है, किसी भी अभ्यर्थी को, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी अभ्यर्थी को इस लिस्ट को लेकर के डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बता देता हूं आप लोगों की ये क्या चीज़ थी, ये क्या लिस्ट थी, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों ने जो आपकी लिस्ट आई थी, देखिए 25 जनवरी को तो आई थी आपकी GNM की फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट, और 18 जनवरी को आपकी आई थी दोस्तों ANM की। तो उसमें आपको एक पॉइंट मिला होगा दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, मुझे आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं गलत यहां पे होता हूं। तो देखिए, कुछ पद इसमें रिक्त रखे गए थे, देखिए यहां पर आपको 170 नज़र आ रहा होगा, यहां पर ये GNM का है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ANM का भी था, उसमें शायद 175 पद थे, वो लास्ट में मैंने डाला हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसमें भी इस तरीके से बताया गया था 175 कैंडिडेट्स थे देखिए इसमें, ठीक है। जहाँ तक 99% ये जो कैंडिडेट्स थे जिनको रोका गया था, रिजर्व लिस्ट है ये, इस तरीके से सुरक्षित जो पद रखे गए थे, इन सभी पदों को मिलाकर के आपकी भर्ती के ये पद पूरे होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो ये पद थे 170, 175, इसके अलावा कुछ पद और भी थे, उनको जोड़ करके ये लिस्ट आई है दोस्तों, ठीक है। तो 3674 में से किसी का नाम इस लिस्ट में आप लोगों को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो 3674 जो कैंडिडेट हैं उनका नाम दोस्तों इसी सप्ताह में जो लिस्ट आएगी आपकी उसमें आ जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। एक और चीज़ दोस्तों मैं बताना भूल गया था जब पहले वीडियो अपलोड मैंने किया, अन्यथा ये सिचुएशंस पैदा नहीं होती। तो इसमें लिखा गया है, देखिए 24/1/2020 को जारी वरीयता सूची के क्रम में शेष रिक्त रहे पदों पर, ठीक है। तो शेष रिक्त रहे पद दोस्तों 170 थे इसमें GNM में, और 175 थे दोस्तों ANM में, ठीक है। 175 थे ANM में। जब हम इन पदों को करेंगे, टोटल करेंगे 170, 175 या जो भी इससे ज़्यादा भी कुछ थे, तो उनको रिजर्व करके पूरी भर्ती के पद आपके पूरे होंगे। तो ये वो कैंडिडेट हैं, अदरवाइज आप ये भी मान सकते हैं कुछ कैंडिडेट इसमें नए भी आए होंगे कोर्ट केसेस की वगैरह से, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर बात ये है कि जो 3674 कैंडिडेट हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
आप लोग जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया है उन सभी को तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और 3674 के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका चैनल आप लोगों के साथ है और इस लिस्ट को देख करके कोई भी अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश नहीं होगा, ठीक है। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर मैंने इस वीडियो में दोस्तों कुछ गलत जानकारी दी है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कि सर आपने ये गलत बताया है, ठीक है। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है तो मेरे एनालिसिस में यही चीज़ निकल कर के आई है कि रिजर्व जो पद थे, सुरक्षित जो पद थे, उन्हीं को जोड़ करके उन पर जो नए कैंडिडेट्स आए हैं किसी भी कैटेगरी के रूप में, किसी भी रूप में आए हैं, उनका है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के लिए भी धन्यवाद मेरे साथियों। 3674 कैंडिडेट्स से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिल्कुल भी आप लोग निराश ना हो, खाना खाइए। बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब इस तरीके से फ़ोन कॉल सुना नहीं गया, वो लोग बहुत परेशान थे, उदास थे और उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत इस तरीके से थी कि दोस्तों बता पाना मुश्किल है। तो उनसे मेरा निवेदन है सभी लोग अपना खाना खाएं, अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को खुश रखें। ये 3674 की लिस्ट अलग से आप लोगों की आएगी, इसलिए चिंता ना करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।